पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल छात्रा मंडी में अंडर 14 छात्रा जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज हो गया है। प्रतियोगिता का शुभारंभ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने किया। जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में जिला के 25 जोन के लगभग 910 खिलाड़ी भाग ले रहे थे। जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में जिला के 25 जोन के लगभग 910 खिलाड़ी भाग ले रही हैं। इस दौरान स्कूल प्रबंधन द्वारा कौल सिंह का स्वागत किया गया। स्कूल के प्रधानाचार्य अनिल कुमार ने पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर को शॉल टोपी पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि कौल सिंह ठाकुर ने मार्च पास्ट की सलामी भी ली। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को लगन के साथ खेलने की अपील की। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि खेल हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और बच्चों को खेलों के प्रति अपनी रुचि बढ़ानी चाहिए। आज बड़े खुशी का मौका है, जिला स्तरीय अंडर 14 गर्ल्स टूर्नामेंट का यहाँ शुभारंभ हुआ है। इस टूर्नामेंट में मंडी जिला के 25 जो है शिक्षा खंड ये हमारी बेटियां हिस्सा ले रही है और कुल मिलाकर के लगभग 900 से ज़्यादा जो हमारी बेटियां खिलाड़ी जो है इसमें हिस्सा ले रही है। मुझे पूरा विश्वास है ये 3 दिन चलने वाली खेलकूद प्रतियोगिता शांतिपूर्वक संपन्न होगी और यहाँ इन बेटियों को अपना हुनर अपनी प्रतिभा को दिखाने का भी मौका मिलेगा और इन बेटियों में जो अच्छा प्रदर्शन करेगी उनको जो है राज्य स्तर पर खेलने का भी मौका मिलेगा। और मैं समझता हूँ बेटियाँ जो है हमारी बहुत ही होनहार बेटियाँ हैं, अपने जोन में भी ये सिलेक्ट होकर के आई है। तो आज पूरा विश्वास है ये खेल की भावना से खेलेगी, जीतने की कोशिश करेगी। जीत और हार बनी रहती है लेकिन अच्छा प्रदर्शन हो, खेलों के नियमों के मुताबिक किया जाए, बेटियां अनुशासन के अंदर रहें। हमारे जो शारीरिक शिक्षक यहाँ भाग ले रहे हैं, प्रिंसिपल हमारे यहाँ संयोजक है इन टूर्नामेंट के गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडी के, मुझे पूरा विश्वास है कि ये खेल कूद प्रतियोगिता शांतिपूर्वक ढंग से समाप्त होगी। बच्चों ने अभी आप जानते हैं मार्च पास यहाँ किया है, अच्छा प्रदर्शन बेटियों ने किया है, अच्छी तैयार होकर के आई थी, अच्छी वर्दियाँ उन्होंने डाली है और मुझे पूरा विश्वास है ये बेटियाँ यहाँ अनुशासन में रह करके खेल की भावना से काम करके अपने जो है यहाँ नाम रोशन करेगी। और मुझे पूरा विश्वास है जो हमारे शारीरिक शिक्षक वर्ग यहाँ खेलों का आयोजन कर रहे हैं उनको भी चाहिए जो अच्छी से अच्छी खिलाड़ियाँ हैं उनको ही राज्य स्तर के लिए सिलेक्ट करें, कोई इसमें जो है पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। और मैं अपनी शुभकामनाएँ इन बेटियों को देता हूँ, आयोजकों को देता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है यहाँ खेलें शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न होगी। मंडी से तरनदीप सिंह की रिपोर्ट। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।